हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अजीत और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज मुझे आ रही हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई नए नए टॉपिक्स कहाँ से लाए जाएँ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से लाए जाएँ, या फिर अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए अगर आपका एक नया चैनल है तो कहाँ से हमें टॉपिक्स मिल सकते हैं जिन पर हम वीडियोज़ बनाएँ डेली और जो है अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। क्योंकि डेली वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और जब से मैंने ये बोला है कि डेली वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब से बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर कर रहे हैं कि भाई टॉपिक कहाँ से लाएं, हम डेली वीडियोस बना तो दें बट टॉपिक्स कहाँ से लाएं डेली नए नए ताकि हम वीडियोस बना सकें और ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक्स पर है कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ सकते हैं और नए नए टॉपिक हमें कहाँ से मिलेंगे अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी क्विट मत करना, पूरे लास्ट तक देखना ताकि आप जान सको कि ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिसे आप अपने चैनल के लिए रोज रोज एक नया टॉपिक ढूंढ सकते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें और हमारे चैनल को। गाइस, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने चैनल के लिए रोज नए नए टॉपिक ढूंढ सकते हैं ताकि हम नए नए वीडियोस बना सकें और जल्दी से ग्रो कर सकें। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका टेक चैनल होगा, तो मेनली मैं यहाँ पर टेक को ही एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट और जो दूसरे कैटेगरी के चैनल हैं वो भी ये सारी चीज़ें फॉलो करके नए नए टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। तो वो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेक के लिए बता रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ टेक कैटेगरी को लेके। सो गाइस, सबसे पहला जो तरीका है वो होता है कि आप गूगल पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो विद इन अ मिनट या फिर एक हर एक सेकंड में बहुत सारी ऐसे न्यूज़ को अपलोड करती हैं जो उस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा होगा, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि उनकी वेबसाइट हमेशा जो है ट्रेंडिंग पर है, उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है। इस वजह से वो नई नई न्यूज़ जो है खोज कर लाती हैं, चाहे वो टेक कैटेगरी की हो या फिर किसी भी कैटेगरी की हो, आपको हर कैटेगरी में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी। कुछ फेमस वेबसाइट हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रहा हूँ, खास करके टेक कैटेगरी वालों को, क्योंकि जो टेक कैटेगरी वहाँ पर आप क्या अपलोड करते हो, या तो बहुत सारे 90% चांसेस आप ये अपलोड करते होगे मोबाइल फ़ोन या फिर गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस, नया फ़ोन कौन सा आया, उसमें क्या लीक्ड है, क्या कैमरा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी वीडियोस आप बनाते होगे डेफिनेटली अगर आपका एक नया चैनल है और बनानी भी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाते हो कि भाई इस समय कौन सा फ़ोन आने वाला है, किसी फ़ोन को लेकर लीक्स क्या आ रहे हैं या फिर उस फ़ोन में कैसा ये होगा कैसा वो होगा, मतलब मेनली स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाते हो, ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है और ऐसी वेबसाइट की मैं लिंक आपको दे रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची न्यूज़ लाती है, मतलब ऐसा नहीं कि फेक न्यूज़ कुछ भी अपलोड कर दी। यहाँ पे जो न्यूज़ मिलेगी आपको वो 99% एकदम करेक्ट मिलने वाली है, तो आपको इस चीज़ का भी टेंशन नहीं लेना है कि आप कुछ रॉन्ग बता दोगे अपनी वीडियो में। तो इसलिए आप इन वेबसाइट से विजिट कर सकते हो, इन वेबसाइट में आपको नए नए टॉपिक्स मिल जाएंगे डेफिनेटली अगर आप स्मार्टफोन या फिर गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, तो यहाँ पर आपको भर भर की न्यूज़ मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ एंड्रॉयड टिप्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनका न्यूज़ सेक्शन को ठीक से पढ़ते हो तो। तो आपको अगर अपने एक YouTube चैनल बनाए तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, आपको अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाना है, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे इंटरनेट पे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक्स मिलते जाएंगे, तो ये काम आपको ज़रूर से करना है। गाइस, बात करें अगर सेकंड नंबर सोर्स की तो वो निकल के आता है यूसी न्यूज़। अब वैसे तो मैं ज़्यादा यूसी न्यूज़ यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, बट गाइस अगर बात करें यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपनी वीडियोज़ के लिए टॉपिक ढूंढने के लिए तो यूसी न्यूज़ एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स बन सकता है। गाइस, अगर आप यूसी न्यूज़ को ओपन करो तो वहाँ पर आपको कैटेगरी मिलती है टेक की, टिप्स एंड ट्रिक्स की और एप्लीकेशन रिव्यू की भी। तो अगर आप एप्लीकेशन रिव्यू करते हो या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हो एंड्रॉयड से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से कुछ भी रिलेटेड आप टिप्स और ट्रिक्स बताते हो या फिर आप स्मार्टफोन की लीक्स वगैरह बताते हो, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है वो भी यहाँ पर है, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्रीज की बात कर लें या फिर कुछ अलग हटके आप करना चाहते हैं, तो सभी कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से भी बहुत ही अच्छे डेली बेसिस पे जो है टॉपिक्स मिलते रहेंगे, आप यहाँ से भी किसी भी एक न्यूज़ को उठा सकते हो, उस न्यूज़ को उठाने के बाद डायरेक्टली आप उसे एज ए वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो अपने व्यूवर्स के सामने। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल सकते हैं। गाइस, नंबर थर्ड जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो सोर्स है वो एक ऐसा सोर्स है जो 100% वर्क करता है और मेरे ख्याल से 90% जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इसी सोर्स का यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। तो ये सोर्स है
आप अपने रिलेटेड चैनल, यानी कि अगर मान लीजिए आपका एक चैनल है एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड, तो आपको कम से कम 50 से 100 ऐसे चैनल ढूंढने हैं जो आप ही के तरीके सिमिलर वीडियोस बना रहे हैं। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आपके पास कंटेंट की कमी कभी नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस मान लीजिए आपका एक चैनल है जिस पे आप एंड्रॉयड ऐप्स का रिव्यू करते हो, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप कम से कम 50 60 या फिर 100 चैनल ऐसे ढूंढिए जो एंड्रॉयड ऐप का रिव्यू करते हैं, आप उनको सब्सक्राइब करिए। और गाइस अगर आपने 50 चैनल भी सब्सक्राइब किए ऐसे, तो 50 में से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो डेली वीडियोस डालते होंगे, यानी उन 50 में से आपको कम से कम 10 वीडियोस डेली मिल जाएंगे उन 50 चैनल में से किसी 10 चैनल से। तो जब आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगी और उन 10 वीडियो में अगर हर एक यूट्यूबर यानी हर एक वो चैनल 5-5 एप्लीकेशन के बारे में भी बताता है, तो आपके पास एक ही दिन में 50 एप्लीकेशन आ गए जो कि एकदम यूनिक होंगे। उन 50 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सिलेक्ट करने हैं और उन 5 एप्लीकेशन के बारे में आपको अपने व्यूवर्स को बता देना है। बिल्कुल इजी मेथड है और बहुत सारे यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं, आपको भी यही करना है। इससे आपके पास कंटेंट की भी कमी नहीं रहेगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैनल को भी ग्रो कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में वीडियोस बनाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वीडियो वायरल होती है और लोग देखना भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है कंटेंट ढूंढ सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई और कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी से रिलेटेड कई सारे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करके वहाँ से जो है ले सकते हो कंटेंट। सो गाइस शुरू के दिनों में यानी जब आपका इनिशियल डेज होंगे, जब आपका नया चैनल होगा, तो आपको यही करना पड़ेगा। आप इसी तरीके से जो है टॉपिक्स ढूंढ सकते हो, बट एक बार जैसे ही आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी इतनी सारी कमेंट्स आने लगेंगे आपके व्यूवर्स की, आपके सब्सक्राइबर की, जो खुद ही आपको एक टॉपिक दे जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने शुरुआती दिनों में टॉपिक्स ढूंढ सकते हो, बाद में आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपका चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो तरीके हैं ये सभी लोग फॉलो करते हैं, मैंने कुछ जेन्युइन चीज़ें आपको बताई, इनको यूज़ करके आप डेली बेसिस पे एक टॉपिक ले सकते हो। बिल्कुल ये चीज़ें वर्क करेंगी, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी और आप डेली वीडियोज़ जो है अपलोड कर पाओगे अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और कुछ आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता देना। और साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का।